गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संध्या। कैसे हैं आप सब? सो गाइज टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा आज के वीडियो के बारे में। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ अबाउट माय चैनल। मेरा चैनल इज ऑल अबाउट मेकअप स्किन केयर एंड लाइफस्टाइल। तो मेकअप से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल्स होते हैं, कुछ भी ओकेजन होता है या कोई भी ऐसा मोमेंट होता है या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ सिंपल लुक्स जैसे कि ये वाला लुक मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसका ट्यूटोरियल जल्दी आपको मिलने वाला है। कुछ DIYs, कुछ लाइफस्टाइल और कुछ स्किन केयर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय चैनल। अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी चैनल की वीडियोज़ पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सम प्रोडक्ट्स अंडर ₹100, नायका के प्रोडक्ट्स अंडर ₹100। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जो कि ₹100 हैं। तो ये प्रोडक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इनका रिव्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ आप देख लीजिएगा एंड वीडियो प्लीज़ ज़रूर पूरा देखें। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। तो मेरे पास यहाँ पे जो स्किन केयर प्रोडक्ट है ये है हिमालय का स्क्रब। हिमालय का ये नीम प्यूरिफाइंग स्क्रब है। इसका MRP है ₹75। नायका पे हमेशा कोई ना कोई सेल चलती रहती है, तो आई होप आपको ये 70 या 65 रुपीज़ में मिल जाएगा। बट अगर हम अंडर ₹100 की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ MRP की बात करेंगे, डिस्काउंट तो मिलता ही रहता है, ठीक है। तो ये है नीम का प्यूरिफाइंग स्क्रब विद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। ये एक नीम स्क्रब है, एक बहुत ही माइल्ड स्क्रब है। अगर आप टीनेजर हैं तो आपके लिए स्क्रब बेस्ट है, बिकॉज इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जो आपकी स्किन को एक माइल्ड एक माइल्ड स्क्रब का इफेक्ट देता है। बहुत ही अच्छा स्क्रब है, इसमें नीम की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपकी स्किन को क्लियर करता है एंड आपकी स्किन को प्रॉब्लम फ्री स्किन बनाता है। तो दिस इज़ अ गुड बाय। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं एक जॉनसन्स बेबी ऑयल की। ये इसका MRP है ₹94। जॉनसन्स बेबी ऑयल इसलिए बिकॉज आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा होगा, अगर आपने मेरे कुछ अनरेडी वाले वीडियोज़ देखे हैं, तो मैं अपना मेकअप इसी से ही रिमूव करती हूँ। बिकॉज जॉनसन बेबी ऑयल जो होता है ना, एक बहुत ही माइल्ड ऑयल है जो कि बेबीज़ के लिए स्पेशली क्रिएट किया गया है। तो बहुत ही माइल्ड ऑयल है, इससे आपका जो फेस का एरिया बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है, जैसे कि अगर हम पैराशूट ऑयल लगा लें या कोई और ऑयल अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके फेस पे एक अलग सा स्टिकनेस छोड़ जाते हैं। जॉनसन्स बेबी ऑयल के साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत ही माइल्ड ऑयल है एंड आपके फेस पे कोई भी ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं छोड़ता है एंड आपके मेकअप को ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है। अगर आपको देखना है मैं इसे कैसे यूज करती हूँ तो मैं आई बटन पे ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास ये मॉइस्चराइजर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड इसका जो MRP है ₹35। ये ₹35 की MRP है एंड जो ये पॉइंट्स की जो नई रेंज आई है, ये वाली मॉइस्चराइजर बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, बिल्कुल नॉन ऑयली है एंड फ्रेश फील रखता है आपके फेस पे। अभी लगता है कि जैसे अभी ही फेस वॉश किया हो, बिल्कुल भी स्टिकनेस नहीं लगता। इसमें विटामिन ई है, ग्लिसरीन है एंड डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो आप लाइट मॉइस्चराइजर में अगर जाना चाहते हैं कम रेंज में अंडर ₹100, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये हिमालय का शैम्पू, एक जेंटल डेली केयर प्रोटीन शैम्पू है। ये 100 ml का पैक है जिसका MRP है ₹68 एंड छोटे हेयर्स वाले लाइक मी आराम से ये 20 days या मंथ तो आराम से निकाल ही लेते हैं। तो हिमालय का ये वाला जो पैक है, अगर आपको हिमालय के प्रोडक्ट्स शैम्पूज अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस टाइप के बॉटल्स ले सकते हैं जिसका ₹68 प्राइस है एंड इसमें बहुत सारी वेराइटीज भी आती है। तो ये वाला जो है ये प्रोटीन शैम्पू जेंटल डेली हेयर एंड ये आपकी हेयर को नरिशेस करता है, क्लीन करता है जेंटली। कलर्ड हेयर्स हैं या स्मूथनिंग है, आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा है सेफ टू यूज़ ऑन आर्टिफिशियल कलर्ड हेयर। नेक्स्ट मेरे पास ये ब्लू हेवन की नेचुरल ब्राउन आईब्रो डिफाइनर, ₹80 का इसका MRP है। बट हमेशा से मैंने इसको अंडर 70s में ही इसको मैंने बाय किया है एंड ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको आईब्रो डिफाइन करनी है एंड कुछ अलग सा ढूंढ रहे हैं कि जल्दी से आईब्रो डिफाइन हो जाए, इसको बाय कर सकते हो। ये है नेचुरल ब्राउन, अप टू 12 आवर्स स्टे है इसका, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड बहुत ही अच्छी वाली पिगमेंट वाली पेंसिल है। ये पेंसिल नहीं, एक क्रेयॉन टाइप की डिफाइनर है ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये LE18 का नेल रिमूवर, ₹55 का इसका MRP है।
ये 30 ml का पैक है, आई मीन एक अच्छा पैक है, एक बहुत ही क्यूट सी ये बॉटल है स्लाइम पिंक कलर की। एलिएटिंग का नेल पॉम्स नेल एनिमल रिमूवर विद ग्लिसिन, एंड मैं अपने नेल पॉलिश को इसी नेल रिमूवर से रिमूव करती हूँ, एंड एक ही बारी में ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, एंड नेल्स बिल्कुल भी येलोइश नहीं रहते, इसे बिल्कुल क्लीन वाइट हो जाते हैं। नहीं कि आपने कोट्स अप्लाई कर रखे हैं, ये एक ही बारे में अच्छे से रिमूव कर देता है। तो एलिएटिंग के ये वाली जो नेल रिमूवर है ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है मेरे पास मस्ट हैव, आपके पास जो समर्स में होना चाहिए, ये है पॉकेट डियो फ्रॉम एंगेज। एंगेज का ये वाला जो फ्लेवर है ये कूल एक्वा पॉकेट परफ्यूम, जो कि मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। मैं कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ, मैं डेली बेसिस पे भी इसको अप्लाई करती हूँ। इसका जो MRP है ये है ₹60 एंड 18.8 ml का ये पैक है, एंड ये अभी तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। मीन इसमें काफ़ी प्रोडक्ट है, बिकॉज हमें एक तो स्प्रेज ही करने होते हैं डेली बेसिस पे। इसमें बहुत सारे फ्लेवर हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये वुमेन वाला जो आता है ये भी अच्छा है, जो मेन वाला आता है उसकी सीरीज भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है मेरे पास ये वादी हर्बल्स का लिप बाम, इसका जो MRP है ये है ₹35। जो वादी हर्बल्स की जो लिप बाम है उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, तो ये वाला जो फ्लेवर है ये है ऑरेंज, एंड 35 rupees में काफ़ी अच्छा पैक है। मेरा ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, एंड आराम से ये 4-5 महीने चल गया था, बिकॉज थोड़ा सा तो लगाना होता है लिप्स पे, एंड इससे लिप्स काफ़ी अच्छे से नरिश रहते हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं, बिकॉज मैं अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखती हूँ, तो काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन देता है ये वादी हर्बल्स का लिप बाम। अगर लिप बाम की बात करें तो मेरे पास है ये वेस्लिन एंड हिमालय के लिप बाम्स। जो वेस्लिन का लिप बाम है ये 10 ग्राम का पैक, एंड इसका MRP है ₹45। ये कोकोआ बटर फ्लेवर में है, एंड ये भी आपके लिप्स को स्मूथ बनाता है, काफ़ी अच्छा लिप बाम है, एंड ये ट्रांसपेरेंट शेड है, ट्रांसपेरेंट कलर का है, बिल्कुल जो वेस्लिन वाला होता है वैसा। बस इसकी जो फ्रेगनेंस है ये कोकोआ बटर है, काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस है, मस्त वाला। एंड जो नेक्स्ट है मेरे पास ये हिमालय का लिप बाम, इसका जो प्राइस है ₹28, और ये भी 10 ग्राम का पैक है। ये भी कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है। दिखने में ये बहुत छोटू सा प्रोडक्ट है, बट काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट है, काफ़ी टाइम से यूज़ करने वाली चीज़ है। अगर आप लिप बाम्स में जाना चाहते हैं नॉन फ्लेवर्ड में, तो आप इस टाइप का ले सकते हैं। नेक्स्ट अंडर 100 rupees में जो मेरे पास ये दो लिप लाइनर्स हैं, दीज आर फ्रॉम मिस क्लेयर। एक है डीप पिंक एंड दूसरी है अर्बन रेड। अगर मैं आपको इसका स्वॉच करके दिखाऊँ, रेड और ये पिंक, एंड काफ़ी पिगमेंटेड एंड काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी एक ही स्ट्रॉक में बहुत अच्छा इसने शेप दे देता है। अगर आप लिप लाइनर्स ढूंढ रहे हैं अंडर 100 rupees के, तो मिस क्लेयर में ज़रूर जाएं, बिकॉज बहुत ही पिगमेंटेड एज वेल एज काफ़ी अच्छा शेड्स अवेलेबल है, एंड इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, बट आई थिंक ये दो शेड्स आपके पास होने चाहिए, पिंक एंड रेड। तो इसका प्राइस इसमें मेंशन नहीं है, पर लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी हर एक प्रोडक्ट का, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये गार्डियन नेचुरल्स की लाइट क्रीम, जो कि 23 ग्राम का पैक है। इसका भी प्राइस इसमें मेंशन नहीं है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर। काफ़ी अच्छी क्रीम है, इसको लगाने के बाद फेस बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज ये ऑयली स्किन वालों के लिए ही बना है, एंड इससे आपकी जो स्किन है उसमें एक ब्राइटन अप आपकी स्किन थोड़ी सी हो जाती है, एंड ये फेस को बहुत अच्छा सा फुल डे एक बहुत अच्छा कवरेज भी देता है, एंड स्किन को बहुत अच्छा नेचुरली भी रखता है। तो गाइस ये ना मेरा वीडियो, आई होप आपको मेरे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों। जो भी प्रोडक्ट्स हैं अंडर 100 rupees मैं अरेंज कर पाई, जो भी मेरे पास अवेलेबल थे मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको ये सब पसंद आए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।